सब जगह हिंदुस्तान में करते चलता कि मैं दिल्ली को ऐप बना दूंगा। वो तो कर प्रधानमंत्री बनेंगे। 80% वहाँ का विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। आप मीडिया वाले सर्वे करके दिल्ली का देखिए क्या हाल किया है दिल्ली का। हाँ, वो केजरीवाल नहीं है, नटवरलाल है, ठगने वाला। बोला था लोकपाल बिल पास करेंगे, देश को लुभावना सपना दिखाया, लेकिन लोकपाल बिल पास किया नहीं। ये तो नटवरलाल है, ठगने के लिए दिल्ली को आया। ठगा तो कैसे हुआ तू करेगा? नटवरलाल अपना अथू करेगा ना। सुनिए सुनिए, नीतीश कुमार जी के लिए क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी भी यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये सर एक क्वेश्चन बता रहे, पुरुषोत्तम राम कैसे बने? पुरुषोत्तम राम कैसे बने? आप बात सुनिए, लंका में बंदर सेना लेकर क्यों गए रामचंद्र जी? पुरुषोत्तम राम लंका में क्यों बंदर से लेकर गए? ये भी सवाल जवाब है, आप बता सकते हैं? नहीं, आप ही बताइए, आप ही बताइए। बंदर सेना लेकर इसलिए गए, उससे उस जगह पर नीतीश कुमार को लेकर जाता, केजरीवाल को लेकर जाता, अखिलेश को लेकर लेकर जाता, और वहाँ का सोना का माहौल देखता, ते लोग क्या करता? ये तो बताइए आप लोग। रिएक्शन होता, रिएक्शन आता। वो बोलता, अखिलेश बोलता, अरे मेरे को दो, मेरे को दो गो रावण दे दो सोना वाला महल। अब पलटी राम तो सीधा पलट देता रावण का, बोलता मेरा को ही सब दे दो, मैं पलट कर तेरे को रावण जिता दूंगा। ये था, इसीलिए पुरुषोत्तम राम बने। वो बिहारी विद्वान विश्वामित्र था जो राम को राम धनु विद्या और ज्ञान का केंद्र बनाया, और पृथ्वी को भी उछालने की क्षमता और ज्ञान, तीनों ब्रह्मांड को, आकाश पताल पृथ्वी को एक बार में राम राम को राम खत्म कर देने की शक्ति थी राम में। वो विश्वामित्र ने सब धनुर्विद्या सब कुछ सिखाया, वहाँ तारका मारी सिपाहियों को मारा था। सुनिए, ये सब है। सुनिए सुनिए, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो 370 लागू करेंगे, और कहीं मंदिर बना के हटा के मस्जिद फिर यहाँ बाबरी बना देगा। ये सब, ये सर आप लोग मीडिया को समझ में नहीं आता है। हम लोग 100% है, अब 20% मुस्लिम है। हम क्या दिया है इतना लेट क्यों हुआ? हम लोग तो 100% 80% है, इतना लेट क्यों हुआ? 500 साल लग गया हमारा राम को यहाँ बनवाने में। ये हिंदुओं में हम लोग में एकता नहीं था, हिंदू में एकता नहीं है, इसीलिए हिंदू अधूरा हो रहा था। आज हिंदू जाग गया, आज सनातन का इतिहास लिखा गया। ये सनातन का इतिहास का हम लोग साक्षी बनेगा कि राम का सनातन का इतिहास आज बन रहा है, उसमें हम लोग भागीदारी होगा। मेरे कितने खानदान मर गए राम राम को लला को लाने या राम को भव्य मंदिर बनाने में। 5 साल बीते, उनके लिए क्या कहेंगे जो गोली चलवाए थे कार सेवकों पे? वो तो ऐसा ही विनाश हो रहा है, राम का शराब मिल रहा है, क्यों नहीं आ रहा है अखिलेश? क्यों नहीं आ रहा? अखिलेश का यहाँ पर जनता विरोध करेगी। तुम जनता विरोध करे तो क्या? अच्छा, तुम हत्यारे हो, तेरा बाप हत्यारा है, तुम कैसे आए? कैसे आएगा? आयो लो, आत्मस्वार्थी है ये, समाज को नहीं देखेगा। ये स्विमिंग पूल बना देगा, जो स्विमिंग पूल यहाँ बनाए ना, वो अपने घर में अखिलेश बनाता है। ये लोग अपना अपना स्वार्थ देखता है, लेकिन मोदी जोगी जो है ना, ये भारत को देख रहे हैं। ये लोग को समझ, अब फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था, यही कांग्रेस पार्टी था। दाऊद इब्राहिम को पैदा किया, अंडर वर्ल्ड को पैदा किया, जो कि फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था। आज पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है। ये लोग बोलता ये मुस्लिम लोग बोलता है महंगाई है, अरे महंगाई है ना, तो कटुए लोग जा करके पाकिस्तान में देखो महंगाई कितना है। 500 रुपए किलो चावल है, 400 रुपए किलो आटा है, देखना है तो महंगाई पाकिस्तान में देख। अच्छा एक बात बताइए, महंगाई भी कुछ नहीं है। अरे ये लोग 5 रुपए में पंचर सटाता था, आज 50 रुपए लोग कटुए लोग ले रहे हैं। ये क्या सोच रहे? महंगाई कुछ नहीं है। सुनिए, राम मंदिर तो पूरा हो गया, हाँ अब हिंदू राष्ट्र बनने में कितना समय लगेगा? हिंदू राष्ट्र मोदी जी बना चुके हैं, अब बन गया, हम लोग अब टूटने वाला नहीं है ना फूटने वाला है, हम हिंदू राष्ट्र रहेंगे। भारत का हिंदुत्व देख करके, जो इंग्लैंड है 200 सालों तक हम लोग प्रदेश पर राज किया ना, आज ऋषि सुनक हिंदू है, वो देखिए इंग्लैंड पर राज कर रहा है, इंग्लैंड के सब लोग हाथ जोड़ रहा है। ये हिंदुओं का
मोदी जी ने प्रभाव डाला है। अब मोदी जी का ही देन, मोदी जी स्वामी विवेकानंद थे, 1918 में जाकर अमेरिका में दहाड़े थे कि अरे अंग्रेजो तुम एक दिन गिरोगे नीचे जमीन पर, जो कि मेरे को नमन करोगे। वही मोदी जी फिर से नरेंद्र नाम था बचपन का विवेकानंद का, अच्छा। फिर से विवेकानंद पैदा ले लिया भारत में। मोदी जी आए, अंग्रेजों लोग को सबक सिखा रहे हैं। आज अमेरिका भी हाथ जोड़ रहा, आज मुस्लिम देश सब लोग हाथ जोड़ रहा, क्यों जोड़ रहा? ऑल वंडरफुल लीडर इन मोदी, विश्व का आश्चर्यजनक नेता मोदी जी है। क्या दुनिया उसके सामने झुक रही है? ये विपक्ष क्या है? अच्छा, एक मूली की तरह है, एक जब चाहो तब तोड़ दो। वाह वाह, देखिए कितना अच्छा है।